जी सर, तो आपका क्वेश्चन ये है कि अमाउंट इन हैंड जो ये अमाउंट है इसमें से हम खर्चा माइनस करेंगे और बैलेंस अमाउंट जो आएगा उसका अगर इस अमाउंट का वो 20% के बराबर है तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको फॉर्मूला लगा लेता हूँ पहले बैलेंस के लिए, इक्वल टू दिस माइनस दिस और एंटर। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसका 20% के बराबर है तो इसको पहले हम 20% ही निकाल देते हैं, अगले कॉलम में निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू दिस इंटू 20%, 20% एंटर। तो इसका 20% हुआ 100 और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और इसका हुआ 200। अगर यहाँ इसका जो है 20% ये इसके बराबर है तो ये रेड हो जाए ये वाला, ठीक है ना। तो चलिए इसको सेलेक्ट करेंगे जितना भी आपको आपका अमाउंट है और अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें जाएंगे हम न्यू रूल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करने का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू दिस, फिर दोबारा से इक्वल टू दिस, ठीक है ना। यानी कि ये इसके बराबर है, हमने इसको ये बोल दिया है दिस इक्वल टू दिस। और बीच का हम डॉलर हटाएंगे क्योंकि ये वैल्यू हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला ड्रैग नीचे तक खुद ही हो जाएगा अगर हम बीच का डॉलर हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मेट देते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो क्या करें रेड हो जाए। तो चलिए रेड हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं ओके। तो अब देखो ये इसके बराबर है तो रेड हो गया, यानी कि 20% है ना ये 20% वैल्यू के, लेकिन ये 20% नहीं है। यहाँ 200 होगा तो ये 20% के बराबर होगा बैलेंस, तब जाके ये अमाउंट रेड होगा। तो चलिए मैं स्पेंड बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 800 कर देता हूँ। तो देखिए ये इसके बराबर हो गया तो रेड हो गया। और इसको मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 400 की जगह 300 कर देता हूँ, तो 20% के बराबर नहीं है तो इसलिए ये वाइट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा।